Hi everyone, in this video we are discussing the acid strength of hydrated cations. Now hydrated cations ka general formula hota hai, jaise hydrated cations ke liye hamare paas ek metal ion hoga like X, usme ke sath kuch water molecule jude honge, n number of water molecules, and is cation par hamare paas ek charge hoga M positive. So this is a general formula for hydrated cations. अब cations जो है वो polar water molecules के साथ attract करके hydrated कर लेते हैं अपने आपको. That is इसमें कुछ energy release होगी. That is called hydration energy of the cation. This is the amount of heat energy released through the formation of one mole of hydrated cation. Right? अब इसमें जो है hydration energy जो है acidity के हिसाब से variation करती है. अब हम देखते हैं कि जैसे हम aluminium ion है, राइट, कॉपर आयन है, बेरियम आयन है, अगर इनके हाइड्रेटेड कैटायंस कैटायंस फॉर्म करें तो Al का बनेगा Al H2O6 3 पॉजिटिव, देन फॉर कॉपर Cu H2O4 2 पॉजिटिव, एंड साथ ही में बेरियम का बनेगा Ba H2O2 2 पॉजिटिव. ठीक है, अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है एल्यूमिनियम आयन वाले की, दैट इज -320 for copper, that is -75, and for barium it is -30. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर और बेरियम आयन है, इनमें कैटायंस की साइज टू चार्ज टू साइज रेशियो अगर देखी जाए तो एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है पर लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो चार्ज ज्यादा है तो इसकी चार्ज टू साइज रेशियो भी ज्यादा है, देन कॉपर आयन, देन बेरियम आयन. ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एल्यूमिनियम आयन जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है वो जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, सो इट विल रिलीज मोर एनर्जी. ठीक है, तो जल्दी हाइड्रोलाइज करने से मोर एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसकी एसिडिटी भी चेंज होती है. ठीक है, क्योंकि ये जल्दी हाइड्रोलाइज कर रहा है तो हमारे पास एसिडिटी पे इसका इफेक्ट आएगा. कैसे इफेक्ट आएगा, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर हम आयरन Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कर दे तो ये हाइड्रेट करके Fe H2O6 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बना देगा, मतलब यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है, अब यही वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये हाइड्रेटेड आयन है इसमें अगर मैं और वाटर ऐड कर दूं तो इट विल फॉर्म Fe H2O5 OH 2 पॉजिटिव और ये H3O पॉजिटिव रिलीज कर देगा. ठीक है, मतलब ये हमारे पास इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से हमारी एसिडिटी ऑफ आयन डिटरमिन हो रही है. ये आयन एक्चुअल में हाइड्रेटेड कैटायन एसिडिक है. ठीक है, अब ये चार टू साइज रेशियो अगर ज्यादा होगी, अगर चार टू साइज रेशियो ज्यादा होगी तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेस इन द वॉटर. ठीक है, तो OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा. अगर चार टू साइज रेशियो ज्यादा है तो OH बॉन्ड ब्रेक्स फास्ट. ठीक है, ये फास्टर ब्रेक होगा और हमें दिखेगा कि हमारे पास जो है चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसने जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर दिए. ठीक है, तो उसी तरीके से एल्यूमिनियम H2O6 विल रिलीज फास्टर दैन द कॉपर दैन द बेरियम आयन. ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन भी हम कर सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास ये हमारे पास आयन हो Fe H2O5 6 हो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ Fe H2O5, एंड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, Fe के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स फास्टर. ठीक है, Fe जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा तो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो मोर इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल आयन, मोर इज द एसिडिटी. इसी तरीके से अगर सेम चार्ज हो तो अगर साइज स्मॉल हो तो हमारे पास क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है. सो फॉर जनरल ऑर्डर विद द साइज अगर देखें तो Fe का साइज स्मॉल है दैन द वेनेडियम, तो वेनेडियम वाले आयन से हमारे पास अगर सेम चार्ज हो तो Fe जल्दी एसिडिटी शो करेगा, मतलब Fe स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा हाइड्रेटेड आयन फॉर्म में दैन द वेनेडियम. तो उसी तरीके से अगर स्कैंडियम का देखें तो और स्मॉल साइज हो जाएगा, सॉरी साइज बड़ा हो जाएगा तो ये कम जल्दी रिलीज करेगा. उसी तरीके से एल्यूमिनियम
ठीक है, विल बी लेस एसिडिक, ठीक है, इनका साइज स्मॉल है, ओके। अब इसी तरीके से फॉर बाइवेलेंट हाइड्रेटेड कैटायंस, अब देखिए जाए अगर बेरिलियम का कैटायन बनाए, ठीक है, और अगर हम देखें फॉर बाइवेलेंट अगर मैग्नीशियम का कैटायन देखा जाए, तो हमारे पास हम क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं कि बेरिलियम का कैटायन इज मोर एसिडिक बिकॉज इट इज स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम आयन दैन द मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो इस हिसाब से यू कैन डिटर्मिन द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बायवेलेंट कैटायंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बायवेलेंट कैटायंस हाउ दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, टिल देन यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।